नमस्कार, मैं कोपल हालन, स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 238 रनों से शिकस्त दी है। डे नाइट टेस्ट मैच के इस मुकाबले में टीम इंडिया ने मेजबान टीम को 447 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 208 पर सिमट गई। श्रीलंका की दूसरी पारी में अश्विन ने 4 विकेट लिए तो वहीं बुमराह ने 3 और पटेल ने 2 विकेट और जडेजा ने 1 विकेट अपने नाम किया। भारत के लिए श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में भी अच्छी बल्लेबाजी की। दोनों के अर्धशतकों के दम पर भारत ने दूसरे दिन मजबूत स्कोर खड़ा किया। अय्यर ने 87 गेंद में 9 चौकों की मदद से 67 रन की पारी खेली, जबकि पंत ने सिर्फ 28 गेंद में भारत की ओर से सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया। भारत ने दूसरी पारी 9 विकेट पर 303 रन बनाकर घोषित की थी। आपको बता दें, भारत ने पहली पारी में 252 रन जुटाए थे और श्रीलंका को 109 पर समेट दिया था। टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 143 रन की बढ़त मिली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।